नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है बहुत ही बेहतरीन ट्रिक रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है या एसएसडी लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बिना खोले लैपटॉप को आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है या एसएसडी लगी हुई है। देखिए दोस्तों, दो तरीकों में काम आ सकती है ये ट्रिक आपके लिए। कैसे? पुराना लैपटॉप खरीद रहे हैं आप, पुराने लैपटॉप में दुकानदार आपको कह रहा है भाई इसके अंदर एसएसडी लगी हुई है। यार हो सकता है उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हो, क्या पता। घर लेकर गए, पता चला इसके अंदर तो हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो क्या करेंगे, जाके क्या दुकानदार से लड़ेंगे हम? और या मान लीजिए आपने पुराना लैपटॉप खरीदा, पुराना लैपटॉप बेचने वाला बंदा आपको कह रहा है भाई इसके अंदर तो मैंने 512 GB SSD लगा रखी है। भाई 512 GB तो हार्ड डिस्क भी होती है मेरे भाई, कैसे पता लगाओगे वो हार्ड डिस्क है या SSD है? पता चल रहा है आपको हार्ड डिस्क के साथ लैपटॉप दे दे और कहे भाई SSD है इसके अंदर, तो SSD आती है महंगी, भाई हार्ड डिस्क आती है सस्ती, तो ऐसे तो मुनाफा हो जाएगा उसका। वो आपको क्या कर सकता है, पागल बना देगा बिल्कुल। आपको पता ही लगेगा इसके अंदर कि हार्ड डिस्क लगी है या एसएसडी लगी हुई है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं यार कि जैसे ही आपको कोई सामने वाला लैपटॉप दिखा दे कि भाई इसके अंदर लगी हुई है एसएसडी, ये देखिए दो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो उसके अंदर एसएसडी लगी होगी, या फिर उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होगी, या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एसएसडी के साथ हार्ड डिस्क लगी हो सकती है, दोनों इकट्ठा लगा हो सकता है। तो सामने बेचने वाला को किस तरीके से क्या कह सकता है कि भाई इसके अंदर या तो एसएसडी लगी हुई है, या फिर हार्ड डिस्क लगी हुई है, या फिर एसएसडी हार्ड डिस्क दोनों लगी हुई है। तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उस लैपटॉप में उस समय पर क्या चीज लगी हुई है और सामने वाला बंदा सही कह भी रहा है या फिर नहीं कह रहा। तो अभी जो है मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ लेकर चलूंगा और आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा कि सिर्फ एक ट्रिक से आप किस तरीके से जान सकते हैं कि आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है या फिर एसएसडी लगी हुई है। मैं बता देता हूं, मेरे लैपटॉप में इस समय पे एक हार्ड डिस्क और एक एसएसडी लगी हुई है। एसएसडी के अंदर विंडोज इंस्टॉल्ड है और जो है हार्ड डिस्क के अंदर मैं अपना बैकअप रखता हूँ, डेटा रखता हूँ। तो अब दिखाता हूँ किस तरीके से आप पता लगाएंगे कि इसके अंदर एसएसडी और हार्ड डिस्क किस तरीके से लगी हुई है। कैसे पता करेंगे? हो सकता है मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक एसएसडी और एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, क्या पता इसमें सिर्फ एसएसडी लगी हो, या फिर हो सकता है सिर्फ इसमें हार्ड डिस्क लगी हो। तो अभी बताता हूँ ले जाकर कि लैपटॉप की तरफ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है लैपटॉप कंप्यूटर LCD LED रिपेयरिंग कंप्यूटर लैपटॉप सीक्रेट एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से जो है मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ले आया हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो मैं अब आपको कह रहा हूं कि भाई मेरा लैपटॉप ले लो आप, जिस लैपटॉप पे मैं जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और मैं इसमें कह रहा हूं कि भाई इसमें लगी हुई है एक SSD और एक हार्ड डिस्क। ठीक है, आप कहोगे भाई मैं ऐसे कैसे ले लूं यार, और मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं कि इसके अंदर एक SSD लगी हुई है, एक हार्ड डिस्क लगी हुई है। भाई मेरे को कुणाल भाई ने एक बार ही बताया था कि किस तरीके से चेक करना है, तो उस तरीके से मैं चेक करूंगा और फिर तेरा लैपटॉप लूंगा। तो बताता हूं भाई कैसे आपको चेक करना है कि इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है या फिर SSD लगी हुई है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं दिस PC में जाकर। ठीक है, दिस PC में जाकर आप यहां देख सकते हैं इसमें CDEF भाई चार चार ड्राइव लगी हुई है। अब कैसे मान ले कि भाई ये सारी जो ड्राइव है वो हार्ड डिस्क है, और कैसे मान ले कि ये सारी ड्राइव जो है SSD है। ये SSD यहां पे आपको दिख रहा होगा, बट दोस्तों ये जो है SSD मैंने यहां से रीनेम किया है, रीनेम यहां से जो है मैंने SSD इसको लिख लिया, ताकि मुझे भाई पता लग जाए मैं कभी विंडो डालू कि सी ड्राइव मेरी कौन सी है। तो इस वजह से मैंने SSD यहां पे जो है सिर्फ लिख रखा है, आपको जो है यहां पे लोकल डिस्क सी ही दिखेगी। ठीक है, तो कैसे पता करे भाई, कुछ तो जुगाड़ बताओ इसका। तो अभी बताता हूं भाई, जुगाड़ रुको रुको थोड़ा सबर करो। टाइप हियर टू सर्च दिख रहा है यहां पे, टाइप हियर टू सर्च के ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। यहां पे सिंपली लिखना है डिफ्रैगमेंट। ठीक है जी, डिफ्रैगमेंट लिखते ही आपको क्या दिखेगा जी यहां पे सर्च करने का, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज
ड्राइव्स, ठीक है जी। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना, सिंपली कुछ करना ही नहीं है भाई, थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे जो है पूरी रामायण खुल के आ गई भाई कि इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। किसी भी लैपटॉप किसी भी कंप्यूटर में ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो सी ड्राइव जो है भाई साहब हमारी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, डी ड्राइव जो पार्टीशन है वो भी है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है जी। अब हमारे को पता लग गया, ठीक है भाई इसके अंदर एक एसएसडी तो लगी हुई है, एसएसडी के दो पार्टीशन भी बने हुए हैं, ठीक है भाई। मीडिया टाइप में बता रहा है, देखिए एसएसडी मैंने भले ही यहाँ लिख रखा है, ठीक है, रीनेम कर रखा है, पर यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव आपको देखना है, मीडिया टाइप पे नजर रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। और छी तो ये ई एफ तो जी हार्ड डिस्क है, तो इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब तो जी हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक एसएसडी और एक हार्ड डिस्क सही लगी हुई है। तो भाई कुणाल भाई ने तो बिल्कुल सही कहा, इनका लैपटॉप ले लेना चाहिए कि इसके अंदर तो हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों लगी हुई है, ठीक है भाई। अब कोई कह दे कि भाई इसके अंदर तो जो है आपकी एसएसडी लगी हुई है, भाई इसके अंदर आए देखा दो पार्टीशन बने हुए हैं, दोनों में हार्ड ड्राइव शो कर रहा है जी, हार्ड डिस्क ड्राइव शो कर रहा है, भाई कैसी बात कर रहा है यार, यहाँ पे तो हमारी हार्ड डिस्क शो कर रहा है, तू कैसे एसएसडी कह रहा है कि इसके अंदर एसएसडी डली हुई है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही चेक करना है, अगर उसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव लिखा हुआ है और सामने वाला बंदा आपको बोल रहा है कि भाई इसके अंदर एसएसडी ड्राइव डली हुई है लैपटॉप की या कंप्यूटर के अंदर, तो भाई मान जाओ कि उसके अंदर जो है बिना खोले कि इसके अंदर जो है लैपटॉप या कंप्यूटर में एसएसडी लगी हुई है, सामने वाला बंदा सही कह रहा है, ठीक है। और यहाँ अगर वो बोल रहा है कि भाई हार्ड डिस्क लगी हुई है और यहाँ पे एसएसडी लिखा आ रहा है, तो भाई उस समय पे भी वो झूठ बोल रहा है कि भाई उसमें हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई है, या तो उसको पता नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क से बढ़िया तो एसएसडी होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हो सकता है शायद उसको ना पता हो कि इसके अंदर एसएसडी है या हार्ड ड्राइव है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप पता लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में बिना खोले कि हार्ड डिस्क लगी हुई है या फिर एसएसडी लगी हुई है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से जो है मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने कितने ही आसान तरीके से अभी जो है आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ जाकर दिखाया कि इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है या एसएसडी लगी हुई है। तो अब आपको जो है मेरे ऊपर विश्वास हो गया ना, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके अंदर एक एसएसडी लगी हुई है, एक लगी हुई है हार्ड डिस्क। तो ठीक है दोस्तों, अब आपने किस तरीके से चेक कर लिया, अब किसी की बातों में नहीं आना है कि इसके लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क लगी है, इस लैपटॉप के अंदर एसएसडी लगी है। खुद इस ट्रिक से चेक करना है कि भाई लैपटॉप में बंदा सामने वाला दे क्या रहा है, हार्ड डिस्क दे रहा है या एसएसडी दे रहा है। पता चल रहा है हार्ड डिस्क बता रहा है और दे रहा है एसएसडी है, या एसएसडी बता रहा है तो वो हार्ड डिस्क दे रहा है। तो ऐसे जो है आप किसी की बातों में नहीं आना है, मेरी बताई हुई ट्रिक जैसे मैंने आज बताया सेम स्टेप को फॉलो करके पता लगाना है कि लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी हुई है या एसएसडी लगी हुई है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग पाए कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है या फिर एसएसडी लगी हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।